शनिवार को यमुना नदी में छोड़े गए 6,03,000 क्यूसिक पानी से यमुना नदी उफान पर चल रही। शनिवार को रादौर विधायक श्याम सिंह राणा ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर विधायक राणा ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाढ़ के मद्देनजर SDM रादौर डॉक्टर पूजा भारती ने भी अधिकारियों के साथ बाढ़ से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया और शनिवार सुबह से ही बाढ़ संभावित क्षेत्र में डटी है। रादौर जटलाना सड़क मार्ग पर सड़क के दोनों ओर जंगली घास खड़े होने के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। PWD विभाग की ओर से सड़क के दोनों ओर खड़ी जंगली घास नष्ट न किए जाने से क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। सड़क किनारे खड़ी जंगली घास से रात के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण मिल रहा है। रादौर के वार्ड नंबर 7 की फिरनी पर नगरपालिका द्वारा पिछले 3 महीने से बनाए जा रहे नाले का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिससे वार्ड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रादौर के गांव भगवानगढ़ के पास शनिवार की सुबह बरसात के दौरान एक रेत से लदा ओवरलोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेतों में पलट गया। सौभाग्य से जब ट्रक पलटा तो आसपास कोई नहीं था, अन्यथा कोई भी ट्रक की चपेट में आ सकता था। ट्रक पलटने से चालक को आंशिक रूप से चोटें आई, जबकि धान के खेत में रेत का ट्रक पलटने से प्रभावित किसान को काफी नुकसान हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 6,03,000 था, वहीं शाम 7:30 बजे तक घटकर 5,63,000 क्यूसिक पर पहुंच गया था। हथनी कुंड से निकला यह पानी देर रात तक रादौर क्षेत्र में पहुंचेगा, जिससे बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। उपमंडल के गांव नाचरोन के ग्रामीण पिछले कई दिनों से बिजली के लगने वाले अघोषित कटों से जूझ रहे हैं। गांव नाचरोन के डॉक्टर लाभ सिंह ने बताया कि सुबह और शाम को बिजली के अघोषित कटों के कारण ग्रामीणों को दैनिक कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली निगम से शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई दिए जाने की मांग की है। रादौर की खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे रादौर टाइम्स के साथ। अगर आपके पास कोई भी खबर है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है हरियाणा अपडेट 007@gmail.com।